सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रिएक्ट प्लेलिस्ट। और अदर देन रिएक्ट प्लेलिस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट यूज इफेक्ट हुक। यार देखो, यूज इफेक्ट हुक में ना मुझे खुद बहुत टाइम लग गया। रीजन मैं बताऊँ, देखो एक तो क्या है, हम थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं ऐसा, ठीक है, एप्लीकेशन में, ठीक है, हमने यूज इफेक्ट यूज़ कर लिया। बट अगर बात करें समझने की और समझाने की, तो उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, समझाने में भी और समझने में भी। सिनेरियो क्या है, यूज इफेक्ट हुक इज द की ऑफ हैंडलिंग द लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। मींस आपकी जैसे कंपोनेंट है, ठीक है, तो कंपोनेंट की एक लाइफ साइकिल होती है, जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस में बताया था, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे है कहीं ये क्लास कंपोनेंट लाइफ साइकिल एंड ऑल। तो उसकी लाइफ साइकिल हैंडल करना। अब हम कहें भाई लाइफ साइकिल हमें क्यों हैंडल करनी है, भाई देखो एक कंपोनेंट बना, ठीक है, इनिशियलाइज हुआ, माउंट हुआ, माउंट होने के बाद अपडेट हुआ, जिसे आप स्टेट चेंज भी कहते हैं, रेंडर भी कहते हैं, एंड उसके बाद वो अनमाउंट हुआ। सो दिस इज द लाइफ साइकिल, ठीक है, बताऊंगा अभी, रुक जाओ। तो इसको पूरा यूज इफेक्ट हैंडल करता है। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वीडियो देखनी पड़ेगी पूरी स्टार्ट टू एंड तक, कहीं भी मिस मत करना, क्योंकि विद एग्जाम्पल प्लस विद कॉन्सेप्ट हम कंपोनेंट को अनमाउंट भी करेंगे। देखो बहुत से लोग क्या ना कि अनमाउंट नहीं कर पाते, कि अनमाउंट क्या होता है यार, हमें अनमाउंट कैसे करना है, वो तो स्क्रीन चली गई, पेज लोड हो, रीलोड हो गया। नहीं, कंपोनेंट अनमाउंट भी होता है, वो भी देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो ठीक है, टाइम पास हो गया, अब बात करते हैं हम अपने कंपोनेंट में यूज़ इफेक्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो देखो, एक छोटी सी एप्लीकेशन क्रिएट की है, इसे कंट्रोल माइनस कर दो, इतना क्या करोगे मैं देख के। तो यूज इफेक्ट की छोटी सी एप्लीकेशन करिए, काउंटर ही क्रिएट किया है, ठीक है, ज़्यादा बेसिक, ज़्यादा कुछ बड़ा काम नहीं है, पहले तो समझ लो। सो लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल। देखो एक इमेज है, गूगल से टापी हुई है। अब देखो रिएक्ट कंपोनेंट लाइफ साइकिल, यहाँ पे क्या है, इनिशियलाइजेशन, पहले इनिशियलाइज होगा, माउंट होगा, अपडेट होगा एंड अनमाउंट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं कैसे होता है, कि इनिशियलाइज हुआ हमारा कंपोनेंट, जैसे ये कंपोनेंट है, ठीक है, ये कंपोनेंट ही है, क्योंकि मैंने क्या करा है कि भाई सीधा एप डॉट जी एस में कोड नहीं लिखा, मैंने कोड लिखा अपना माई कंपोनेंट डॉट जी एस के अंदर। ये अभी देखो कन्फ्यूज होता ना, कमेंट लिख रखा है मैंने, एक छोटा सा कोड है, स्निपेट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कंपोनेंट रीरेंडर कराया है, यूज़ इफेक्ट यूज़ किया है। देखो नहीं पता है तो वो यूज़ स्टेट, अगर नहीं पता है तो ये देख लेना भाई, यूज़ स्टेट समझाया अच्छे से, एंड हाँ उसके बाद जावास्क्रिप्ट का रिफ्रेशर भी दिया है, दोनों समझ लेना, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि हमारी ये लाइफ साइकिल है, ये कंपोनेंट के साथ वर्क कैसे करती है, यूज़ इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने यूज़ इफेक्ट डिक्लेयर किया है, इसका सिंटैक्स देख लो, ये सबसे इनिशियल स्टेज है यूज़ इफेक्ट की, इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, डिपेंडेंसी भी समझेंगे, कुछ भी नहीं है, केवल एक यूज़ इफेक्ट का सिंटैक्स है, जिसके अंदर क्या होता है आपका, हटाओ सर, जिसके अंदर आपका यूज़ इफेक्ट, ठीक है, एक एरो फंक्शन, एंड देन हम रिटर्न कर रहे हैं। जैसे अगर आपको ये भी नहीं लगाना ना, बहुत मतलब मैं आपको बहुत ही बेसिक वो बता रहा हूँ इसका, तो ये यूज़ इफेक्ट का सिंटैक्स है, बिल्कुल बेसिक वन लाइनर। इसमें क्या है, यूज़ इफेक्ट, जैसे यूज़ स्टेट हम यूज़ करते हैं, ऐसे हम रिएक्ट में यूज़ इफेक्ट भी इंपोर्ट करते हैं, देन एरो फंक्शन, एंड देन हमें जो भी फंक्शन अपना या फिर कोड परफॉर्म करना है, ओके। दिस इज़ अ वेरी बेसिक सिंटैक्स एंड इनिशियल स्टेज ऑफ यूज़ इफेक्ट। अब देखो इसमें लिखा गया है, रन ऑन एवरी रेंडर, एवरी रेंडर मीन्स जब भी ये कंपोनेंट रेंडर होगा। अब देखो मैं ऐप डॉट जे एस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐप डॉट जे एस भी एक कंपोनेंट है, जो कि इंडेक्स डॉट जे एस में यूज़ हो रहा है, एंड फिर हम उसे रूट में यूज़ कर रहे हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सीधा कंपोनेंट की, इस कंपोनेंट की ओनली, पूरे ऐप एप्लीकेशन की नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही ये कंपोनेंट रेंडर होगा, ओके, देन ये मैसेज प्रिंट होगा, एंड उसके साथ साथ जब भी इस कंपोनेंट के अंदर कुछ चेंज होगा, मैं बाहर को चेंज कर रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं ऐप डॉट जे एस में अगर एक कंपोनेंट और कॉल करूँगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी में बना के दिखाऊंगा एक कंपोनेंट, बट अगर जब भी ये कंपोनेंट रीरेंडर होगा तब ये मैसेज प्रिंट होगा। चलो देखते हैं एक बार, अब देखो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये एप्लीकेशन हमारी रन हुई, मैंने रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हो आई रेंडर एंड रीरेंडर एवरी टाइम। अब ये दो बार क्यों रेंडर हुआ, बिकॉज यहाँ पे दो कंपोनेंट रेंडर हुए हैं, प्लस माइनस, ओके, इसके अंदर हमने अपनी स्टेज दी है। तो जब भी ये कंपोनेंट रीरेंडर होता है, देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये हर बार रीरेंडर होता है, ठीक है, जब भी देखो 12 टाइम 14 टाइम, जब भी मैं कोई भी स्टेज चेंज कर रहा हूँ इस कंपोनेंट की, ये चेंज हो रहा है, राइट। तो दिस इज लाइक कि रन ऑन एवरी टाइम, जब भी ये स्टेज चेंज होगी। तो वो बेसिक एग्जांपल लेके चलो, मैं एक कंपोनेंट को कॉपी करके दूसरा पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, इसका मैं नाम रख देता हूँ सेकंड कंपो। सो फॉर प्रूविंग दैट कॉन्सेप्ट कि ये केवल अपने ही कंपोनेंट को रेंडर करने पर रन होगा, कोई भी स्टेज हम चेंज करते हैं उसके अंदर, सो आई हैव क्रिएटेड अ सेकंड कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट मैंने कॉल भी कर लिया है। तो आप देख सकते हो यूज इफेक्ट वन, यूज इफेक्ट टू, सेकंड कंपोनेंट, एक काम करो इनका नाम ही चेंज कर दो,
सेकेंड कंपोनेंट, ओके, एंड दिस इज डाल दो मैंने वैसे तो फर्स्ट, ओके, अब देख सकते हो फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकेंड कंपोनेंट, ओके। अब यहाँ पे जैसे मैं इस कंडीशन को प्रूव करता हूँ कि ये जब भी यूज इफेक्ट, जब भी इसकी स्टेट चेंज होगी इस कंपोनेंट की, भाई ये मैसेज प्रिंट होगा। देखो मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, मैसेज प्रिंट हो रहा है, देखो आप 8 टाइम्स हो गया। बट अगर मैं इस कंपोनेंट की स्टेट चेंज कर रहा हूँ तो ये प्रिंट नहीं हो रहा है। तो ये कंपोनेंट वाइज यूज इफेक्ट काम करता है। फर्स्ट थिंग, रन ऑन एवरी रेंडर, कि जब भी ये रेंडर होगा कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट इसके अंदर, कोई भी अगर आप प्लस माइनस एक और लिख लोगे तब भी ये काम करेगा। तो इंटरव्यूअर हमेशा पूछ लेता है, ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि भाई ये यूज इफेक्ट का सिंटैक्स है, ये बताओ कब रेंडर होगा, तो आपको यही बताना है और यही समझना है, ओके। अब बात करते हैं दूसरे के, इसको कर दो बंद। रन ओनली कंपोनेंट माउंट इनिशियलाइजेशन और कंपोनेंट डिड माउंट, देखो क्लास के मेथड्स होते हैं क्लास कंपोनेंट के, कंपोनेंट माउंट, कंपोनेंट डिड माउंट एंड कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो ये मेथड्स यहाँ पे हम एक बार वन बाय वन देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यूज इफेक्ट, ये ब्रैकेट क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अब हमने कॉमा लगाया, यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं, ठीक है, पहले का सिंटेक्स यही था बट इसमें ऐसा नहीं था, बस सिंपल ये था, ओके। सो ये यूज, ये ब्रैकेट क्या कर रहे हैं? ये ब्रैकेट्स हैं आपके, स्क्वायर ब्रैकेट इज डिपेंडेंसी। आप यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हो, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे डिपेंडेंसी लिस्ट, ठीक है। तो मैंने अभी इसको दिया ब्लैंक, अभी बिल्कुल स्टार्ट से चलते हैं। ये ब्लैंक देने से क्या होगा पता है? रन ओनली कंपोनेंट माउंट, बस एक बार चल के रह जाएगा, जैसे ये बार बार चल रहा है ना भाई हमारे, कि भाई जब भी रेंडर हो तभी चले, तो ऐसा नहीं होगा, वन टाइम चलेगा ओनली, ओके। सो अब इसको इसको भी देख लेते हैं एक बार, भाई मैंने चला, देखो आई विल इसको क्लियर कर लो, पेज रिफ्रेश कर लो, आई विल रन ओनली वन टाइम, वन टाइम मीन्स जब भी कंपोनेंट इनिशियलाइज होगा, माउंट होगा, ये सब चलेगा, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हो एंड इसी वजह से चल रहा है, ओके। सो आई विल रन ओनली वन टाइम, अब वन टाइम मीन्स, अब मैं इसको रेंडर कर रहा हूँ ना, ये नहीं चल रहा, राइट। अब यूज़ इफेक्ट अगर आपको एक और लगाना है, मैं इसको एक और मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, अब इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखो मैं एक बार पहले पेज रिफ्रेश करूँगा, भाई चार बार तो चलेगा जब कॉस, ओके। सो ये वन टाइम आ गया, अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, देखो ये मल्टीपल प्रिंट हो रहा है रेंडर करने पे, बट भाई अपने नहीं मिल रहे 1% भी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास, हमने दी थी इसको ब्लैंक डिपेंडेंसी। दिस इज काइंड ऑफ क्वेश्चन कि हाई ब्लैंक डिपेंडेंसी का यूज़ क्या है, कब देनी चाहिए कब नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मल्टीपल यूज इफेक्ट यूज़ करोगे ना, जैसे क्या है देखो, ये मल्टीपल मैंने यूज इफेक्ट यूज़ करें, ओके, बट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, अगर मैं दोनों में डिपेंडेंसी नहीं दूंगा, ठीक है भाई, ये भी चलेंगे अपने धुआंधार, ओके। यूज इफेक्ट यूजिंग फॉर हैंडलिंग साइड इफेक्ट्स, ओके, साइड इफेक्ट्स जो हमारे होते हैं, API कॉल करना, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, लोकल स्टोरेज का यूज़ करना, तो ये सब कामों के लिए हम यूज इफेक्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये अपना चल रहा है, सेकंड भी समझ में आ गया, ब्लैंक डिपेंडेंसी एक बार रन करेगा, अब इसको हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं भाई? देखो अगर आपको कोई API कॉल करनी हो, वन टाइम API कॉल करो, बात खत्म, ओके। यहाँ पे वन टाइम API कॉल करोगे, अपना चल जाएगा कोड, बात खत्म। यहाँ पे लोडिंग वोडिंग फॉल्स कर दो कि भाई कोड चल गया, बार बार नहीं रन करना। तो दिस इज फॉर कॉलिंग द API, बेस्ट वे बता रहा हूँ कि API कॉल करने के लिए, ओके। सेकंड अब चलते हैं कि भाई इतना तो हो गया, इतना समझ में आ गया कि यूज इफेक्ट करता क्या है, क्या कैसे काम करता है, डिपेंडेंसी क्या होती है, लेकिन अब नेक्स्ट काम करते हैं हमारा कि पर्टिकुलर कंपोनेंट के, पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर भी हम यूज इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो देख लो। देखो अभी मैं क्या कर रहा था कि भाई ये तो ब्लैंक एक बार चल गया, चल गया भाई, अब कोई इसमें वो नहीं है, एंड ये भाई साहब हमेशा चल रहे हैं, कुछ भी कर लो चल रहे हैं, ओके। बट अब हमें क्या करना है कि जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूँ ना, ये तभी चलना चाहिए प्लस। जैसे अब देखो प्लस का एग्जांपल ले लो, मुझे कोई API कॉल करनी है, कोई स्टेज चेंज करनी है, किसी की डिस्प्ले चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो तभी मेरा यूज़ इफेक्ट काम करना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? उसके लिए पहले मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, ऑन फर्स्ट रेंडर वेन एवर डिपेंडेंसी चेंजेस और वी आर कॉलिंग दिस मेथड अल्टरनेटिव ऑफ कंपोनेंट डिड अपडेट, कि कंपोनेंट जब हमारा स्टेज चेंज करता है, ओके। तो यहाँ देखो मैंने क्या करा है भाई, आई रन ओनली वन टाइम एंड पहले एक बार रन होगा, एंड वेन एवर यू चेंज द काउंट, जब भी आप काउंट चेंज करोगे मैं तब चलूँगा। इसीलिए हमने यहाँ पर डिपेंडेंसी में अपना यूज स्टेट का जो काउंट का वेरिएबल है, देखो यूज स्टेट से मतलब नहीं है, मतलब है कि आपका जो जो स्टेज चेंज हो रहा है, आप स्टेज कैसे चेंज करोगे, यूज स्टेट से करोगे, और भी तरीके हैं वैसे, बट यहाँ पे क्या है, अभी हमने काउंट ले रखा है, तो काउंट की स्टेज जैसी चेंज होगी ना, तो यहाँ पे हमारा ये काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा, अदर देन दिस ये कॉल नहीं होगा। देखो मैंने इसको क्या करा, मैं इसको रेंडर करता हूँ, यार ये तो मैंने फालतू बना लिया, नहीं अभी काम आएगा, रुक जाओ, इसका बताऊँगा अनमाउंट करने के टाइम पर, ओके। सो ये देखो चल गया चार बार अपने, आई रन ओनली वन टाइम व्हेनेवर यू चेंज द अकाउंट, ओके। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, वन टू
थ्री, देखो काउंट बढ़ रहा है यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, देखो काउंट इंक्रीज हो रहा है। माइनस करूँगा माइनस पर भी चलेगा। तो दिस इज लाइक डिपेंडेंसी। आप देखो डिपेंडेंसी का यूज़ मल्टीपल जगह पे हम कर सकते हैं, इसको तो भाई हटा दो, कोई दिक्कत नहीं अभी के लिए। इसका हम यूज़ मल्टीपल जगह पे कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे आपको कोई लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर करना है, तो भाई जब मैं फॉर्म पे बटन पे क्लिक करूँ ना तब भी ये डेटा लोकल स्टोरेज में जाना चाहिए, तो हम इसको लोकल स्टोरेज को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। तो समझो थोड़ा सा, है ना, कि भाई ये अगर ये तीन वे हो गए अपने, पहला बिना डिपेंडेंसी के, सेकेंड थर्ड, तो यूज़ क्या हो रहा है इसका, कहाँ कहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो प्रोजेक्ट है इसके बाद, परेशान मत हो, बट समझना ज़रूरी है। ओके तो ये हो गया हमारा काउंट चेंज पे, भाई काउंट चेंज होगा तभी चलूँगा वरना मैं चलूँगा ही नहीं। ओके लास्ट है बट नॉट लीस्ट, पता नहीं क्या बोलते लोग ऐसा। ओके सो यहाँ पे क्या है, ऑन कंपोनेंट माउंट पहले चलेगा एंड अनमाउंट, ठीक है, जब भी हम और रिमूविंग द कंपोनेंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट। ये कंपोनेंट विल अनमाउंट एक मेथड होता है, लाइफ साइकिल है आपके क्लास कंपोनेंट की। ओके मैं कंपेयर करके दिखा सकता था, क्लास बेस क्लास को यहाँ पे बगल में रख के कंपेयर करके दिखा सकता, बट इट्स नॉट नेसेसरी। आपको समझ में आ रहा है ना, काफ़ी है। और भाई नहीं समझ में आ रहा ना, कमेंट करो, नाम लिखो, पता लिखो, घर पे आके समझा के जाएंगे, वरना गूगल मीट पे तो समझा ही देंगे, लिख दो एटलीस्ट। ओके कमेंट करो, बताओ कि कहाँ से हो, क्यों हो, मतलब क्यों हो पता है। ओके सो अब ये कोड क्लीनअप क्या हो रहा है अपना, क्लीनअप क्या लिखा हुआ भाई, इसका मतलब क्या है, सेटअप द कनेक्शन बिटवीन यू, सॉरी बिटवीन यू एंड मी। ओके दिस इज लाइक, मतलब क्या है, आपने एक डेटाबेस से कनेक्शन बनाया या वेब सॉकेट से कनेक्शन बनाया, अब आपको क्या करना है कि भाई जैसे ही मेरी चैट क्लोज हो, लिंक्डइन देखा है ना, मल्टीपल चैट बॉक्स आ जाते हैं। ओके वो चैट हो रही है वेब सॉकेट के थ्रू हो रही है, मतलब कोई ना कोई रियल टाइम एप्लीकेशन वर्क कर रही है उसके बिहाइंड, चाहे वो फायरबेस का रियल टाइम हो एंड आपका वेब सॉकेट हो। तो अब आपने वो चैट स्टार्ट करी, अपनी एप्लीकेशन में लोड डाल दिया वेब सॉकेट पर, लेकिन बंद तो करोगे उसे, तो उसी लिए इसीलिए हम यूज इफेक्ट के इस क्लीनअप फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं कि भाई जैसे ही विंडो क्लोज कर दे ना चैट की, कोई जैसे लिंक्डइन की हमने साइड में चैट विंडो क्लोज कर दी, तो जैसे ही क्लोज करें ना, तो हमारा ये कंपोनेंट से वेब सॉकेट का कनेक्शन खत्म हो जाए। जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही कर सकते हो, जेएस के थ्रू पूरा अपना रिएक्ट में, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इस रिटर्न को यूज़ करते हैं, मतलब फॉर्म देख रहे हो, 1 2 3 4 फोर्थ फॉर्म है इसकी, और भी हो सकती है, मल्टीपल डिपेंडेंसी भी ऐड कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे क्या करा, सेटअप द कनेक्शन बिटवीन यू एंड मी। ओके देन लेट्स चेक कि ये कैसे काम करता है, हमारा क्लीनअप फंक्शन कैसे यूज़ होगा। ओके तो अब यहाँ पे मैं एक बार पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो सेटअप द कनेक्शन बिटवीन यू एंड मी, ये कंपोनेंट एक बार माउंट हुआ एंड यहाँ पे इसने इसको प्रिंट कर दिया कंसोल में, सेटअप द कनेक्शन। अब ये फंक्शन कब रन होगा, ये रन होगा स्टेज चेंज पे। कब स्टेज चेंज होगी भाई, जब मैं इस कंपोनेंट को अनमाउंट करूँगा। अब अनमाउंट कैसे करूँगा ये क्वेश्चन है, तो अनमाउंट करने के लिए अब देखो क्या कर सकते हो यहाँ पे, कि जैसे माई कंपोनेंट है राइट, अब मुझे इसको ऐड करना है किसी तरीके से, मतलब हाइड करना है किसी तरीके से कि माई कंपोनेंट हट जाए। ओके तो अभी कैसे काम करेगा, देखो मैं बताऊँ, बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे भी मैं एक यूज़ इफेक्ट ऐड करता हूँ, अब यूज़ इफेक्ट से क्या होगा, यूज़ इफेक्ट की यूज़ इफेक्ट को मारेगा, हाँ हाँ। ओके सो यहाँ देखो मैंने क्या करा, एक सिंटेक्स रेडी किया है भाई, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है सिंटेक्स। ये भी क्या किया है यहाँ पे मैंने, कि एक सबसे पहले एक मैंने कॉन्स्टेंट बनाया है कि अनमाउंट कर दो भाई मेरे कंपोनेंट को, ठीक है, विद यू स्टेट। अब यहाँ पे मैं कंडीशन ऐड करी है कि अगर कंपोनेंट की वैल्यू अगर जीरो है तो चल जाए, बट जैसे ही मैं इसको वन कर दूँ ये अपना हाइड हो जाए, ठीक है, सिंपल सिंटेक्स है। अब यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया है 5000, मतलब 5 सेकेंड बाद। ओके तो ये भी सेट टाइम आउट आप ऐड कर सकते हो, यूज़ इफेक्ट, मैं बोला ना साइड इफेक्ट हैंडल करने का काम आता है, तो टाइम आउट इज़ काइंड ऑल्सो काइंड ऑफ अ साइड इफेक्ट। अब तो मैंने पे लोड किया, कनेक्शन सेटअप हो गया, 5 सेकेंड में आपका कंपोनेंट हट जाएगा, देखो 5 सेकेंड हो गए, क्लोज द कनेक्शन, बाय बाय। समझ रहे हो कि मतलब 5 सेकेंड में अपना आप कंपोनेंट हट गया, और कंपोनेंट जाते जाते अपना काम करके गया है। अब समझ लो अगर आपको जब ये विंडो क्लोज करनी है ना, और सामने वाले बंदे को गोली भी मारनी है ना, तो इसमें लिख सकते हो आप उसका कोड कि भाई उस बंदे को गोली मार दो जैसी चैट आपका चैट क्लोज करे या आपका कंपोनेंट अनमाउंट हो, राइट। तो दिस इज द वे ऑफ हैंडलिंग यूज इफेक्ट इन मल्टीपल फॉर्म्स। तो यार इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी ना समझ में आया ना, तो मतलब गोली मार देना या तो अपने आप को या मुझे, दोनों में से एक को। ओके सो अब देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एक हमारा यूज़ इफेक्ट है जो चलता है हमेशा, बार बार, लगातार, बिना डिपेंडेंसी के, कोई डिपेंडेंसी नहीं है उसके ऊपर, इसलिए वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में जब भी कोई स्टेज चेंज होगा चलेगा। समझो ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में चल रहा है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ उस चीज़ को, मतलब आता माजी सटकली। सेकेंड क्या है, यूज़ इफेक्ट जिसमें हम डिपेंडेंसी ऐड करें, विच इज़ रन ओनली वन टाइम,
एक बार चलेगा, ज़्यादा बार नहीं चलेगा। ओके, एक बार मैं चलाने के लिए API कॉल करो, लोकल स्टोरेज यूज़ करो, कुछ भी करो। ओके, सेकंड है हमारा डिपेंडेंसी वाला। भाई देखो, जब भी कोई रेंडर होगा ना, इस बंदे को यूज़ करो, इस बंदे को क्लिक करो, चलाओ इसको, इसमें कोई काम होना चाहिए। चाहे कोई बंदा पेजिनेशन पे क्लिक कर रहा हो, भाई थर्ड पे मैंने क्लिक किया, अब थर्ड पे आपको पेजिनेशन चाहिए, ठीक है। इसके बाद पेजिनेशन वाला ही प्रोजेक्ट है, परेशान मत है ना कि एक API हम कॉल करेंगे जिसमें मल्टीपल पेजेस को कॉल करेंगे, मज़ा आ जाएगा कसम से। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, घोल के पी जाओगे। लास्ट जिसमें हमारा क्या हो रहा है कि हम कंडीशन ऐड, और देखो मल्टीपल कंडीशन भी ऐड कर सकते हो उसके अंदर। ओके, लास्ट है हमारा कि हम कोड क्लीनअप भी करेंगे, एक कनेक्शन वगैरह सेटअप करेंगे, एंड लास्ट में जाते जाते कंपोनेंट को बाय बाय बोलेंगे, एंड अपना जो लास्ट का काम है वो हम करेंगे, जिसमें आप लोकल स्टोरेज को क्लीन कर सकते हो, टोकन को डिलीट कर सकते हो लोकल स्टोरेज में से। मतलब एक बढ़िया डेवलपर बनने के लिए ना सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यूज इफेक्ट यूज़ कर ली, API कॉल कर ली, चलेगा इंटरव्यू देने के लिए, ऐसा नहीं चलता, राइट। सो दिस इज़ द 4 वेज टू ऐड यूज इफेक्ट, और मल्टीपल तो ऐड कर ही सकते हो यूज इफेक्ट। हमेशा ये भी क्वेश्चन आता है कि ये मैंने 4 यूज इफेक्ट, 3 यूज इफेक्ट ऐड कर दिए हैं, इंटरव्यूअर बोलता है भाई ये 3 यूज इफेक्ट ऐड कर दिए हैं, अब ना इसमें मुझे फ़र्क बताओ कैसे कैसे कब कब चलेगा, रन करके नहीं दिखाएगा वो, राइट। सो दिस इज़ द वे टू हैंडल द यूज इफेक्ट। वीडियो लंबी हो गई है आई नो, बट एक एग्जांपल करके जाते, देखो ये काफ़ी एग्जांपल हो गई। एक API कॉल करेंगे, ओके, जैसे तुम कहोगे यार यार API कॉल करके दिखाई, ओके। सो API कॉल कैसे करेंगे हम, हम अपना यूज़ करेंगे इस वाले कोड का, ओके, इसमें हम API कॉल करेंगे। अब API आप ले सकते हो JSON placeholder से, बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, मतलब कसम से बैकएंड वालों के लिए और फ्रंटएंड वालों के लिए था। मतलब जैसे बैकएंड वालों को कोई अपना API फ्रंटएंड वालों को देनी है, दे दो, सॉरी मतलब फ्रंटएंड वालों के लिए बेस्ट एग्जांपल है, बैकएंड वाले API देते रहेंगे, तुम अपना काम कर लो, ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने यूज़ करा है, जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स बना के देते हैं यार ये लोग, मतलब मज़ा आ जाता है। मैंने इसको ऐड कर दिया, अब ये क्या है आपका response.json, यहाँ पे कंसोल करवा रहा हूँ पहले मैं, ओके, बाद में कंपोनेंट में डाल दूंगा। मैंने इसको सेव किया, अब देखो ये मैंने चलाया, अब देखो डेटा आ गया हमारा, हैंड टू हैंड डेटा आ गया। इसको सेट टाइम आउट पर भी रख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, ओके। तो फैच API के अंदर आप, और ये एक ही बार चलाए, इसको अगर डिपेंडेंसी को हटा दोगे ना तो फिर क्या होगा, देखो चमत्कार। मैंने इसको रिफ्रेश किया, एक बार चला, अच्छा सॉरी थोड़ी देर में तो कंपोनेंट भी हट जाएगा, बंद करो बंद करो बंद करो, इसको बंद करो, ओके। सो देखो ये दोबारा कॉल हो गया, तब तक मैं चला के आ रहा हूँ, इसको एक बार कॉल हुआ, रुकना एक बार, चल दिया दोबारा कॉल पर ये। मैंने इसको दोबारा क्लिक किया, भाई दोबारा API कॉल हो गई। मैं फिर माइनस पर क्लिया, फिर API कॉल हो गई। ये क्वेश्चन मिलता है कि मैं प्लस माइनस पर क्लिक कर रहा हूँ तो भाई ये API कॉल क्यों हो रही है बार बार, डेटा क्यों आ रहा है मेरे पास बार बार, मुझे नहीं करना इनफाइनाइट कॉल API इसको, ओके। तो यहाँ पे हम डिपेंडेंसी ऐड करते हैं फिर, समझ लो। सो दिस इज़ अ बेसिक वे टू कॉल एन API विद यूज इफेक्ट, ओके। अब देखो API कॉल हो गया, बेसिक मैंने तुम्हें फंक्शनलिटी समझा दी, अब एक बार ना इसका मैं देखो कंक्लूजन निकाल के रखते हैं, या देखो वीडियो लंबी हो रही है, सॉरी मान जाओ, अगर नेक्स्ट वीडियो में पक्का सीखेंगे पूरा पेजिनेशन वगैरह सब सीखेंगे, ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, ओके। सो लेट्स मूव टू कंक्लूजन। यूज इफेक्ट रिएक्ट हुक दैट टेल्स रिएक्ट टू डू दिस कोड व्हेन कंपोनेंट रीडेंडर्स रेंडर्स माउंट्स अनमाउंट्स स्टेट ऑफ द वैल्यू, जब स्टेट ऑफ द वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिपेंडेंसीज, रीडेंडर विदाउट डिपेंडेंसी, एंड ऑल्सो रन ऑन माउंट व्हेन वैल्यू चेंज, ओके। यूजेस कहाँ पे है, इवेंट लिसनर ऐड कर सकते हो, डॉम मैनिपुलेशन कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो रियल टाइम अपडेट्स का, फैच डेटा फ्रॉम API, क्लीन अप व्हेन अ कंपोनेंट अनमाउंट्स, ये लास्ट में मैंने बताया था, ओके। सो दिस इज द वे टू हैंडलिंग यूज इफेक्ट, फाइनल खत्म, ओके। अब देखो थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, क्या सिनेरियो है, देखो प्लेलिस्ट है, इसमें एक ये वीडियो है भाई टॉप ES इन जावास्क्रिप्ट, जो भी मैं काम कर रहा हूँ ना आपके, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, उसे चैप्टर देख लेते हैं एक बार, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। इसमें देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एरो फंक्शन, डीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एरे, प्रोमिसेस, रियल टाइम एग्जाम्पल है, सॉरी टॉपिक नहीं है, असिंक एंड अवेज, मैप फिल्टर, रिड्यूस एरर हैंडलिंग, टेम्पलेट लिटरल्स, क्लोजर्स। इसलिए सब देखा करो, कोई भी चीज़ मिस मत किया करो। शॉर्ट्स वगैरह तो मजे आ ही रहे हैं, शॉर्ट्स वगैरह चल रहे हैं जिसमें आप जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन हमें हैंडल करते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रिएक्ट की कंप्लीट सीरीज करनी है, मैं 9 वीडियो ही है, हमें 20 करनी है तुरंत से पहले, ओके। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कोड करते रहो, खेलते रहो, मज़े करते रहो।